महाराष्ट्र की राजनीति में अब नई घमासान शुरू हो गई है। मनी लॉन्ड्रिंग केस में जमानत पर बाहर आए एनसीपी नेता और पूर्व मंत्री नवाब मलिक डिप्टी सीएम अजित पवार गुट के साथ नजर आए। इसको लेकर बीजेपी नेता और राज्य के दूसरे उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने अजित पवार को पत्र लिखा है। इस पत्र को उन्होंने सोशल मीडिया पर भी शेयर किया और कहा कि नवाब मलिक को गठबंधन में शामिल मत कीजिए। फडणवीस ने लेटर में लिखा कि नवाब मलिक जिस तरह के आरोपों का सामना कर रहे हैं उसे देखते हुए हमारी राय है कि उन्हें गठबंधन में शामिल करना उचित नहीं होगा। मलिक केवल मेडिकल जमानत पर बाहर हैं, नियमित बेल पर नहीं। आरोप साबित नहीं होंगे तो उनका स्वागत जरूर कीजिए। डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस द्वारा नवाब मलिक को लेकर पत्र लिखे जाने पर उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। त्या संदर्भामध्ये मला पत्र मिळालं, मी ते पत्र वाचलं। पहिल्यांदा नवाब मलिक साहेब कालच पहिल्यांदा सभागृहामध्ये आलेले होते, ते कुठं बसले काय बसले ते टीव्हीवाल्यांनी दाखवलेलं आहे। त्यामध्ये स्वतः नवाब मलिकांची भूमिका, कारण आपल्याला सगळ्यांना माहिती आहे की राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षामध्ये 2 जुलैला आम्ही सगळ्यांनी आम्ही म्हणजे राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष आहे आणि आम्ही ह्या महायुतीच्या बरोबर जाण्याचा निर्णय घेतला आणि त्या पद्धतीने आम्ही सरकारमध्ये गेलोय। पहिल्यांदाच ते सभागृहामध्ये त्याच्यानंतर आलेले, त्यांची भूमिका काय आहे, त्यांची कुणाची, नवाब मलिक साहेबांची, कारण प्रत्येकाला आपापली भूमिका विशद करण्याचा अधिकार आहे। त्यांची भूमिका काय आहे हे ऐकल्यानंतर मी त्याच्याबद्दल माझं मत देईन। वहीं इस पूरे मामले को लेकर शिवसेना उद्धव गुट के सांसद संजय राउत ने महाराष्ट्र की मौजूदा गठबंधन सरकार को निशाने पर लिया है। जब प्रफुल्ल पटेल जी यूपीए के सरकार में मंत्री थे, इसी मुद्दे पर भाजपा ने सोनिया गांधी के ऊपर सवाल उठाए थे, आपको मालूम है, यही मुद्दा है। तो प्रफुल्ल पटेल जी के बारे में आपकी क्या राय है? फडणवीस जी को मैं पूछना चाहता हूं, आपकी क्या राय? फिर हसन मुशरफ, 70,000 घोटाले वाले, सिंचन घोटाले वाले अजित पवार, ईडी ने जिसकी प्रॉपर्टी जब्त की है और रेड्स पर रेड्स हुआ है, प्रताप सरनाईक, ईडी जिसको गिरफ्तार करने निकली थी वो भावना गवड़ी, ऐसे कितने लाभ हम ले सकते हैं? तो नैतिकता का ही मुद्दा है। तो आपने जिसके साथ सरकार बनाई है वो चाहे शिंदे गुट की हो या अजित पवार गुट की हो, ये तो पूरा करप्ट पार्टी आपके साथ बैठी है, तो सिर्फ नवाब मलिक के ऊपर ही क्यों हमला है? उधर दूसरी तरफ इस पूरे घटनाक्रम को लेकर एनसीपी शरद पवार गुट के नेता जितेंद्र आव्हाड ने नवाब मलिक को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है। अजित पवार साहब काय भूमिका घेतात यांच्याशी आम्हाला काही घेणं देणं नाही। आमची भूमिका म्हणजे पवार साहेबांची भूमिका स्पष्ट होती की नवाब मलिक निर्दोष आहे आणि ही भूमिका आजही आमची कायम आहे। त्याबद्दल मला काही बोल तो त्याच्याशी मला काहीच बोलायचं नाही। ते मोकळे आहे, त्यांना आम्ही कोणालाच थांबवत नाही, त्यांना जिथे जायचं तिथे ते जाऊ शकतात, आम्हाला काय। बता दें कि नवाब मलिक को फरवरी 2022 से गिरफ्तार किया गया था और वो इस साल अगस्त में जमानत पर रिहा हुए थे। गिरफ्तार करने के दौरान मलिक मंत्री थे, लेकिन शिवसेना में एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में फूट पड़ी तो सरकार गिर गई। इस साल जुलाई में अजित पवार के नेतृत्व में एनसीपी में बगावत हो गई। अब महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे की शिवसेना, बीजेपी और अजित पवार की एनसीपी की गठबंधन की सरकार है।